घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्ते, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं द ललन टॉप का ग्लोबल न्यूज बुलेटिन दुनियादारी। शहजादी, राजकुमारी, महारानी, इन शब्दों को सुनकर कई लोग एक परीलोक जैसी तस्वीर बुन लेते हैं। ऐसी तस्वीर जहां सब कुछ नर्म मुलायम सा होता है, कोई दुख कोई अभाव नहीं, सब कुछ आलीशान मनमर्जी का। अगर आपको भी प्रिंसेस शब्द इतना ही चार्मिंग लगता है तो इस पर थोड़ा ब्रेक लगाना चाहेंगे। मैं आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ, एक शहजादी की, जिसमें फ़िलहाल कुछ भी गुलाबी नहीं है। ये कहानी है प्रिंसेस हया की। प्रिंसेस हया बिन अल हुसैन, जॉर्डन की राजकुमारी, दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम की पत्नी, जो अप्रैल 2019 में दुबई से भागकर लंदन चली गई। भागने की वजह ये थी कि हया को अपनी जान का खतरा महसूस होता था। हया के मुताबिक उन्हें ये खतरा अपने पति से ही था। यह हाई प्रोफाइल मामला ब्रिटेन की अदालत में पहुंचा। अदालत ने मार्च 2020 में शेख अल मखतूम के खिलाफ एक बड़ा पावरफुल फैसला भी सुनाया। कोर्ट ने इस कपल के दोनों बच्चों की कस्टडी भी हया को सौंप दी। अब इस मामले में एक अपडेट आया है और ये अपडेट जुड़ा है प्रिंसेस हया के कथित अफेयर से। खबरों के मुताबिक हया का अपने एक बॉडीगार्ड के साथ अफेयर था। इस प्रेम प्रसंग को अपने पति से छुपाने के लिए उन्होंने उसी बॉडीगार्ड को एक मोटी रकम दी थी। ये मामला क्या है, विस्तार से बताते हैं आपको। शुरुआत करते हैं प्रिंसेस हया की आइडेंटिटी से। हमने आपको बताया कि वो जॉर्डन की राजकुमारी हैं। जॉर्डन के शासक थे किंग हुसैन, उनकी तीसरी रानी थी क्वीन आलिया। इन्हीं दोनों की बिटियां हैं हया। हया राजकुमारी थी मगर उन्हें सात पर्दों के भीतर छुपा कर नहीं पाला गया, जैसा कि हमें लगता है मिडल ईस्ट के बारे में। ब्रिटेन के बोर्डिंग स्कूल में रखकर उनकी पढ़ाई करवाई गई, फिर ऑक्सफोर्ड से हायर एजुकेशन उनको मिली। पढ़ने लिखने के अलावा खेल कूद में भी बहुत बढ़िया थी हया। घुड़सवारी में पारंगत थी वो। अपने देश जॉर्डन की इकलौती महिला हैं जिन्हें ट्रक ड्राइविंग का लाइसेंस मिला हुआ है, ताकि वो अपने घोड़ों को खुद ही ट्रक में बिठाकर यहाँ से वहाँ ले जा सकें। हया साल 2000 में सिडनी ओलंपिक्स में भी हिस्सा ले चुकी हैं। इसमें उन्होंने घुड़सवारी वाली बाधा दौड़ में कम्पीट किया था और 70वें नंबर पर रही थी। ये था हया का वो परिचय जो जॉर्डन से जुड़ा है। अब चलते हैं UAE। ये बात है अप्रैल 2004 की। तब हया की उम्र थी तकरीबन 30 साल। उनकी शादी हुई शेख अल मखतूम से। वो UAE के अमीर शेख मखतूम बिन राशिद अल मखतूम के छोटे भाई थे। इस शादी के वक्त अल मखतूम की उम्र थी 53 साल और उनके और हया की उम्र में 23 साल का फ़र्क था। हया उनकी छठी बीवी थी। शादी के बाद शेख अल मखतूम जब भी पब्लिक में दिखते, अक्सर हया भी उनके साथ नज़र आती। हया कहती कि वो किस्मत वाली हैं कि उनकी शादी शेख से हुई। एक दफ़ा अपने एक इंटरव्यू में हया ने शेख के बारे में कहा था, वो ऐसी ऐसी चीज़ें करते हैं कि मैं तो हर दिन हैरान रहती हूँ। हर रोज़ सोचती हूँ कि मैं कितनी किस्मत वाली हूँ जो उनके इतने करीब आने का मौका मिला। 2006 में ये अमीर शेख मखतूम की मौत हो गई। इसके बाद शासक बने हया के पति अल मखतूम। 2007 में हया और अल मखतूम की पहली औलाद पैदा हुई, जलीला। 5 साल बाद 2012 में उनका एक और बच्चा हुआ, जायद। हया शेख की पसंदीदा पत्नी थी मगर उनकी छवि एक बोल्ड महिला की थी। वो जीन्स और वेस्टर्न ड्रेसेस पहनती थी, पब्लिक लाइफ में एक्टिव थी, इंटरनेशनल इक्वेस्ट्रेरियन फेडरेशन की प्रमुख थी। ये घुड़सवारी के खेल से जुड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। कुल मिलाकर हया की जिंदगी इस्लामिक मुल्क की रॉयल महिलाओं जैसी साइलेंट बिल्कुल नहीं थी। यहाँ तक ये कहानी बिल्कुल परफेक्ट लगती है, मगर फिर आया 2018 का साल और दिक्कतें शुरू हो गईं। हुआ ये कि शेख अल मखतूम की एक बेटी हैं लतीफ़ा। फरवरी 2018 में एक रोज़ लतीफ़ा UAE से भाग गई। समंदर के रास्ते वो भाग कर आई भारत। यहाँ भारतीय कोस्ट गार्ड ने उन्हें पकड़ लिया। भारत के पास अंतर्राष्ट्रीय नियमों और मानवीय आधार पर लतीफ़ा को शरण देने का विकल्प था, मगर UAE के शाही परिवार से रिश्ते खराब हो जाने की आशंका के चलते भारत ने लतीफ़ा को वापस दुबई के सुपुर्द किया। वो भी तब जब लतीफ़ा की जान को UAE में खतरा था। उनके मुताबिक उनके पिता उन्हें कैद में रखकर शारीरिक यातनाएं दे रहे थे। खैर, तो लतीफ़ा वाले इस प्रसंग का असर हया और शेख अल मखतूम के रिश्तों पर भी हुआ। इस वाक़े से हया डर गई। उन्हें लगने लगा कि UAE में वो सुरक्षित नहीं है। ऐसे में अप्रैल 2019 में हया अपने दोनों बच्चों को लेकर बिना बताए लंदन भाग आई और उन्होंने दुबई वापस लौटने से इनकार कर दिया। वो शेख के साथ अपनी शादी भी तोड़ना चाहती थी। इसके बाद मई 2019 में खबर आई कि शेख अल मखतूम ने ब्रिटिश हाई कोर्ट में मुकदमा किया है। वो हया से हुए अपने दोनों बच्चों की कस्टडी चाहते थे।
केस दायर हुआ तो हया ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने कोर्ट से कहा कि उनकी और उनके बच्चों की जान को शेख से खतरा है। ये केस बड़ा हाई प्रोफाइल था, दुनिया भर की मीडिया इस पर रिपोर्ट करने लगी तो कई पुराने राज खुलने लगे। शेख अल मक्तूम को एहसास हुआ कि अटेंशन उनकी छवि को नुकसान पहुंचा रहा है। ऐसे में अक्टूबर 2019 में उन्होंने हया के बच्चों को दुबई ले जाने वाला कोर्ट केस वापस ले लिया, मगर उनके केस वापस लेने के बाद भी अदालती कार्रवाई जारी रही। कोर्ट ने शेख अल मक्तूम को तलब किया मगर वो अदालत नहीं आए। उनकी गैर मौजूदगी में ही केस चलता रहा। इस केस का फैसला आया मार्च 2020 में। इस फैसले में अल मक्तूम की दो बेटियों शमसा और लतीफ़ा का भी जिक्र था। पाया गया कि शेख अल मक्तूम ने अपनी इन दो बेटियों के किडनैपिंग की योजना बनाई, उन्हें कैद करके रखा, टॉर्चर किया, साथ ही अपनी बीवी हया को भी कई बार धमकाया। इस फैसले से यूएई के शाही घराने की काफ़ी किरकिरी हुई। ये सब तो पुरानी बातें हैं, इस मामले में लेटेस्ट क्या है? लेटेस्ट ये है कि हया के यूएई से भागने वाली कहानी में अब एक ट्विस्ट आया है। इसके मुताबिक हया के यूएई से भागने की वजह ये नहीं थी कि वो शेख अल मक्तूम के अपनी बेटियों के साथ की गई क्रूरता से दुखी थी, इसकी वजह थी एक अफेयर अपने एक बॉडीगार्ड के साथ। ये बात सामने आई है ब्रिटिश मीडिया की कुछ रिपोर्ट से। इनके मुताबिक कोर्ट प्रोसीडिंग्स के दौरान हया के इस अफेयर वाली बात सामने आई। बताया जा रहा है कि हया का ये बॉडीगार्ड ब्रिटेन का ही रहने वाला था, शादीशुदा था। हया का 2016 से 2018 यानी करीब 2 साल तक उससे अफेयर रहा। खबरों के मुताबिक हया ने इस अफेयर को अपने पति से छुपाने के लिए अपने बॉयफ्रेंड को तकरीबन 48 करोड़ रुपए भारतीय मुद्रा में दिए। इस रकम में कैश पेमेंट के अलावा कई महंगे तोहफों की कीमत भी शामिल है। ये भी दावा किया जा रहा है कि हया के उस बॉडीगार्ड बॉयफ्रेंड के 3 दोस्त भी इस अफेयर के बारे में जानते थे। ये तीनों दुबई की रॉयल फैमिली के बॉडीगार्ड्स थे। हया ने इनका मुंह बंद करवाने के लिए इन्हें भी एक मोटी रकम दी, मगर तमाम कोशिशों के बावजूद हया का एक कथित अफेयर सीक्रेट नहीं रहा। शेख अल मक्तूम को इसकी भनक लगी। 2018 में उन्होंने हया से इस बारे में बात की। वो इस कथित अफेयर के नाम पर हया को धमकाने लगे, ताना देने लगे और अपमानित करने लगे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो यही वजह है कि शेख ने बिना बताए हया को तलाक दे दिया। हया को डराने के लिए उनकी बेडरूम में बंदूक छोड़ी, यहां तक कि हया को किडनैप करने की कोशिश भी की। इन्हीं वजहों से अप्रैल 2019 में अपने बच्चों को साथ लेकर यूएई से हया भाग आई। हया के दुबई से भाग जाने की खबर पब्लिक होने के बाद शेख अल मक्तूम ने इंटरनेट पर कुछ कविताएं भी लिखीं। इन कविताओं की थीम थी दिल टूटना और प्यार में धोखा खाना। इनमें से एक कविता का हिंदी तर्जुमा हम आपको सुनाना चाहते हैं। कविता को ठीक से न पढ़ने के लिए हम अग्रिम माफ़ी चाहते हैं। शेख लिखते हैं, ओह जाने मन, अब और कुछ नहीं है कहने को। तुम्हारी इस खामोशी ने मुझे अंदर से तोड़ दिया है। मेरे सब्र का कोई सिला नहीं मिला मुझे। तुमने जैसे प्यार किया वो मेरी रूह पर सितम है। इस दुख की कोई दवा नहीं, जो मेरा हकीम था उसी ने मुझे ये दर्द दिया है। जब मेरा मुनसिफ ही मेरा कातिल है तो अदालत में मेरी पैरवी कौन ही करेगा। शेख ने अपनी एक दूसरी कविता में लिखा, तुम ठंडी हो, अपने किए पर कोई पछतावा नहीं तुम्हें। हम दोनों के बीच की दूरी मुझे खाए जा रही है। तुम इतनी दूर होकर भी मेरी रूह के इतने करीब हो। तुम्हारा प्यार ही खून बनकर मेरे नसों में दौड़ रहा है। मैंने सब्र रखा मगर फिर भी मुझे ये लाचारगी मिली। मैं अपनी उदासी छुपाता हूँ मगर मेरी ये आँखें मेरा दर्द बयां कर देती हैं। ये कविताएं शेख अल मक्तूम ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर लिखी थी। वहाँ ऐसी कई कविताएं हैं, अरबी और अंग्रेज़ी दोनों भाषाओं में, आप खुद भी इन्हें पढ़ सकते हैं। साथ में पढ़ सकते हैं वेबसाइट पर दिया गया शेख का एक डिक्लेरेशन जिसमें लिखा है, ये सारी कविताएं मेरे निजी अनुभवों से जन्मी हैं। अपनी ज़िंदगी की सच्चाई से इतर मैंने आज तक कोई नज़म नहीं लिखी। आपने शेख की लिखी कविताओं का मर्म समझ लिया, मगर यहाँ एक बात समझ नहीं आ रही। शेख अपनी निजी ज़िंदगी को लेकर काफ़ी सीक्रेटिव हैं। ऐसे में वो अपनी बीवी की कथित बेवफाई का दर्द वेबसाइट पर क्यों लिख रहे थे? उन्हें पता तो रहा ही होगा कि दुनिया इन कविताओं को पढ़ लेगी, इसके मायने निकालेगी। फिर भी वो बेवफाई और टूटे दिल पर कविताएँ लिखते रहे, उन्हें पब्लिक करते रहे। क्यों? क्या इसके पीछे एक मंशा हया के मामले में उठ रहे सवालों के आगे खुद को विक्टिम बनाकर पेश करना था, या ये साबित करना कि हया दरअसल अडल्ट्री कर रही थी और इसी वजह से झूठे इल्ज़ाम लगा रही हैं? ये सवाल ज़रूरी सवाल हैं, इसीलिए कि मीडिया रिपोर्ट्स में हया के अफेयर को लेकर आ रही खबरें सूत्रों के हवाले से आ रही हैं। इनमें से कई खबरें मिसोजिनिस भी हैं। इनमें सनसनीखेज दावे किए गए हैं। कहा गया है कि हया अपने बॉडीगार्ड को रिझाती थी, पैसों और महंगे तोहफों के सहारे वासना पूरी करती थी। ये उन मीडिया रिपोर्ट्स की भाषा है। इन खबरों में हया को चरित्रहीन जैसा रंग देने की कोशिश की गई है। उन्हें घर तोड़ने वाली, किसी शादीशुदा मर्द को सिड्यूस करने वाली बताने की कोशिश की गई है।
सूत्रों के हवाले से गॉसिपिंग की शैली में बताया गया है कि कैसे वो विदेशी दौरों में अपने बॉडीगार्ड को बगल वाले कमरे में ठहराती, रात रात भर उसके साथ गायब रहती। अव्वल तो ये तय नहीं है कि हया का संबंध था या नहीं था। वैसे अगर अफेयर या संबंध था भी तो क्या शेख अल मक्तूम से जुड़े सवाल गौण हो जाएंगे? उन पर अपनी बेटियों को किडनैप करने, उन्हें कैद में रखकर टॉर्चर करने जैसे संगीन आरोप हैं। शेख की बेटी लतीफ़ा का एक वीडियो भी सामने आ चुका है। इसमें लतीफ़ा ने बताया है कि उन्होंने 2002 में भी भागने की कोशिश की मगर नाकाम रही। इसके बाद उन्हें 3 साल से ज़्यादा समय तक कैद रखा गया, टॉर्चर किया गया और ये सब करवाया उनके पिता शेख अल मक्तूम ने। शेख पर अपनी एक और बेटी शमसा को ब्रिटेन से अगवा करने का इल्ज़ाम भी है। मार्च 2020 में ब्रिटिश अदालत ने जो फैसला दिया था उसमें केवल हया और शेख के बच्चों की कस्टडी की बात नहीं थी। इस फैसले में शेख को शमसा और लतीफ़ा की किडनैपिंग का भी दोषी पाया गया था, जैसा हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। ये फैसला सुनाते हुए जज ने हया के लगाए आरोपों पर टिप्पणी करते हुए कहा था, जज के शब्द हैं, मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि कुछ एक अपवादों को छोड़कर शिकायतकर्ता यानी हया ने जो इल्ज़ाम लगाए वो उन्होंने साबित किए हैं। जो चीज़ें मिली हैं उन्हें अगर साथ मिलाकर देखें तो पता लगता है कि अगर ज़रूरत पड़े तो अल मक्तूम अपने किसी मंसूबे को पूरा करने के लिए अपनी ताकतों का इस्तेमाल करेंगे। ताकत का इस्तेमाल, ओहदे का बेजा फ़ायदा उठाना, इनके सहारे अपने परिवार की औरतों की लाइफस्टाइल कंट्रोल करना, उन्हें टॉर्चर करना, डराना, धमकाना, कैद करके रखना, उनका शोषण करना, शेख अल मक्तूम पर लगे इल्ज़ाम असल में यही हैं। हया का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था या नहीं, इस बात से शेख पर लगे आरोपों की गंभीरता कतई कम नहीं होनी चाहिए। यह था हमारी बड़ी खबर सेगमेंट। अब सुर्खियों की बारी है। पहली सुर्खी है इजराइल से। खबर यह है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सऊदी अरब गए। यहां उन्होंने क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान यानी MBS से मुलाकात की। इजरायली खुफिया एजेंसी मुसाद के प्रमुख योसा कोहेन भी नेतन्याहू के साथ थे। इजरायली मीडिया सूत्रों के हवाले से इस मीटिंग की खबर चला रही है। अगर ये न्यूज़ सही है तो ये मीटिंग इसराइल और सऊदी की लीडरशिप के बीच हुई इस लेवल की पहली मीटिंग है। दूसरी सुर्खी पाकिस्तान से है। यह मानवाधिकार मंत्री हैं शिरीन मजारी। उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से जुड़ा एक ट्वीट डिलीट करना पड़ा है। इस ट्वीट में उन्होंने मैक्रों की तुलना नाजियों से की थी। लिखा था कि जैसा नाजियों ने यहूदियों के साथ किया वैसा ही मैक्रों मुसलमानों के साथ कर रहे हैं, माफ़ कीजिएगा। फ्रांस ने इस बयान पर कड़ी आपत्ति जताई थी। उन्होंने शिरीन से ये बयान वापस लेने की मांग भी की थी। इसके बाद 22 नवंबर को मजारी ने अपना ये ट्वीट हटा लिया। तीसरी सुर्खी इथियोपिया से है। यहाँ प्रधानमंत्री एबी अहमद अली ने बगावती टिग्रो प्रांत की फोर्स को 72 घंटे का समय दिया है। उनसे इस समय सीमा में सरेंडर करने को कहा गया है। प्रधानमंत्री ने इस संबंध में भी एक ट्वीट किया। इसमें उन्होंने धमकी दी कि अल्टीमेटम समाप्त होने के बाद वापसी की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। टिग्रे की जनता से भी अपील की गई है कि वो खुद को विद्रोहियों से अलग रखें वरना उन पर भी दया नहीं दिखाई जाएगी। ये थी सुर्खियां। अब बारी है तारीख सेक्शन की। आज है 23 नवंबर। इस तारीख का संबंध एक दंगे से है। इस दंगे की वजह बना अखबार में छपा एक आर्टिकल जिसके वजह से 200 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। सिर्फ इतना ही नहीं, एक अंतर्राष्ट्रीय इवेंट को भी रातों रात 6,500 किलोमीटर दूर शिफ्ट करना पड़ा। ये कहानी है मिस वर्ल्ड दंगों की। साल था 2002। इस बरस नवंबर महीने में मिस वर्ल्ड इवेंट होना था। कहाँ? नाइजीरिया में। मगर नाइजीरिया का मुस्लिम समुदाय इस इवेंट का विरोध कर रहा था। विरोध के पीछे दलील ये थी कि इस ब्यूटी कॉन्टेस्ट से व्यभिचार बढ़ेगा, महिलाओं की पवित्रता खत्म हो जाएगी, इस तरह की वो बातें कर रहे थे। इस विरोध को ख़त्म करने के लिए एक तरकीब सोची गई। नाइजीरिया का सबसे बड़ा शहर है लागोस। यहाँ से एक अखबार निकलता था, इसका नाम था दिस डे, आज का दिन, दिस डे। 16 नवंबर 2002 को इस अखबार ने एक आर्टिकल छापा। इसका मजबून ये था कि पैगंबर मोहम्मद भी इस ब्यूटी कॉन्टेस्ट को पसंद करते। आर्टिकल में ये तक लिख दिया गया कि अगर पैगंबर साहब होते तो वो ब्यूटी कॉन्टेस्ट में शामिल किसी लड़की को अपनी पत्नी बना लेते। इस आर्टिकल पर खूब हंगामा हुआ। विरोध बढ़ता देख अखबार ने माफ़ी मांगी मगर लोगों ने मुआफ़ी नहीं दी। 20 नवंबर आते आते दंगा छिड़ गया। दिस डे के ऑफिस पर हमला हुआ। ईसाई अल्पसंख्यक भी इस दौरान टारगेट किए जाने लगे। 58 चर्च में आग लगा दी गई। अगले कुछ दिनों में 250 से अधिक लोग बेमौत मारे गए। इधर दंगा हो रहा था उधर मिस वर्ल्ड में हिस्सा लेने वाली लड़कियां भी नाइजीरिया पहुंच चुकी थी। उनकी सुरक्षा को भी खतरा था। ऐसे में तय हुआ कि इवेंट को लंदन ले चलते हैं। सेना की भारी सुरक्षा में सभी प्रतियोगियों को नाइजीरिया से सुरक्षित बाहर निकाला गया। फिर 7 दिसंबर 2002 को लंदन में इस इवेंट का फाइनल हुआ। इसमें जीतकर मिस वर्ल्ड बनी तुर्की की अज़रा अकीन।
ये था आज का दुनियादारी। अपना ध्यान रखिए, सहिष्णु बनिए, दुनिया से, यहाँ रहने वाले प्राणियों से खूब मोहब्बत कीजिए, खुश रहिए। शुक्रिया, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्ते। कसर रह गई हमारी कोशिशों में, कसक रह गई कि देश जितना बेहतर, जितना महान हो सकता था हो नहीं पाया, और एक कसम रह गई कि देश का जो कर्ज है उसे थोड़ा बहुत तो उतारना है। भावुकता का लबादा ओढ़कर बोलता तो यूं बोलता, लेकिन बात सीधी है तो सच्चे ढंग से आप तक कही जानी है। लल्लन टॉप लेकर आया है एक नया प्लेटफॉर्म, तेरा तुझको अर्पण। ये प्लेटफॉर्म उन सब भारतवासियों के लिए है जो भारत से दूर किसी दूसरे देश की जमीन पर है, कभी पढ़ाई के लिए, कभी नौकरी के लिए। ये उन सब भारतवंशियों के लिए भी है जिनकी पहचान का हिस्सा ये महान देश है, लेकिन कुछ कसर और कसक है। तो आइए कसम खाएं कि देश को बेहतर बनाएं। हमें आपसे चाहिए आपके हिस्से का ज्ञान, जो आप लल्लन टॉप के जरिए अपने देशवासियों के साथ साझा करें। ये मस्ती के पल भी हो सकते हैं, जब आप कहीं घूमने जाएं और आपको लगे कि सिर्फ मेरे यार दोस्त और परिवार वाले ही क्यों, पूरा देश जाने इन नायाब चीज़ों के बारे में। ये पॉलिसी से जुड़ा, ज्ञान से जुड़ा कोई मसला हो सकता है। तो आइए और लल्लन टॉप की इस नई पेशकश तेरा तुझको अर्पण का हिस्सा बनिए।